अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे अल्कीन्स, और अल्कीन्स में हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। जनरल रिएक्टिविटी में हमने डिस्कस किया कि अल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इसका जनरल कॉमन रिएक्शन है, जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा आसानी से होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। इसके अलावा अल्कीन के मज़ीद रिएक्शन भी हैं, जैसे कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एक एडिशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। उसके अलावा ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विद ओजोन, ठीक है। कम्बशन ऑफ अल्कीन्स, कम्बशन रिएक्शन देंगे, तमाम हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है। हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या दोनों मौजूद होंगे, इट अंडरगो कम्बशन, ठीक है, उसकी कम्बशन होगी और कम्बशन पे वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोकार्बन्स का कॉमन रिएक्शन है, तो अल्कीन का रिएक्शन भी होगा। अब रिएक्शंस और रिएक्टिविटी में हमने दूसरी बात की थी कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स। और इसके जो रिएक्शन थे उसमें हमने पहला रिएक्शन जो पढ़ा वो था कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें, इट गिव अल्कीन, ठीक है। अल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें, अल्कीन बनेगा। अच्छा, दूसरा रिएक्शन हमारे पास है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। हमने कहा अच्छा ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पीटी और पीडी, निकल प्लेटिनम प्लेडियम, इसके साथ हीट, इधर रूम टेम्परेचर, प्लेटिनम या प्लेडियम के साथ। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं अल्काइंस की और उससे अल्कीन बना सकते हैं, ये भी हाइड्रोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हमने पढ़ा था, अल्काइन का रिएक्शन है विद हाइड्रोजन एडिशन। और अगर यहाँ निकल नहीं, प्लेडियम BaSO4 यूज़ करते हैं विद क्विनोलिन, तो हमारे पास सीज अल्कीन प्रोडक्ट। और अगर हम यूज़ करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, रिडक्शन करते हैं विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, तो हमारे पास ट्रांस अल्कीन ऐसा प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स नहीं थे, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन चूंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो मैंने कंडीशंस की बात कर ली कि भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐसे भी हो सकता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन भी है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, और ये दोनों कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी हैं। ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है, ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में हमने एक रिएक्शन पढ़ा एडिशन ऑफ हैलोजन्स, और हमने बात की अगर हम हैलोजन ऐड करेंगे इन अल्कीन, अल्कीन में हैलोजन की एडिशन करें, हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट डाईहैलाइड होगा, एक विसिनल डाईहैलाइड बनेगा, ठीक है, थ्रू हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट। हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा विद थ्रू हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट, जिसमें हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा और हेलोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये था एडिशन ऑफ हेलोजन। फिर हमने मार्कोनिकोव रूल की बात की थी और हमने कहा था अगर हमारे पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो और हमारे पास रिजिड भी अनसिमेट्रिकल हो तो हमारे पास एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस हाइड्रोजन, रीजन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे क्यों जाएगा, लेस कार्बन हाइड्रोजन वाले, ये प्रोडक्ट जो बनेगा एक्चुअल प्रोडक्ट इज CH3CHXCH3। वाई, क्योंकि अगर पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पे ऐड होता है तो यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा CH3CH पॉजिटिव CH3, एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। अगर पॉजिटिव हाइड्रोजन इस कार्बन पे, अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हुआ जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट उस पे ऐड हुआ तो कार्बोकैटाइन सेकेंडरी बना। अगर ये
हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाए जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो बनने वाला कार्बोकैटाइन हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, CH2 CH3, ठीक है। यहाँ से बनेगी ये प्रोडक्ट, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, CH2X CH2 CH3, जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। और ये क्यों नहीं बनती, रीज़न इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाए जिस पे हाइड्रोजन कम हो, तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन रहा है, जबकि यहाँ एक प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा है। ये प्रोडक्ट बनती है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है जो कि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के थ्रू बनेगी। ये है एक्चुअल प्रोडक्ट। तो हमने मार्कोनी का रूल और एडिशन ऑफ HX पढ़ा, ठीक है। अब ये HX कोई भी हो, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन एंड मोर स्टेबल इज फॉर्म, मोर स्टेबल से जो प्रोडक्ट बन रही है वो हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है, और मोर स्टेबल से वो प्रोडक्ट बनेगी जो कि मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद हमने जो रिएक्शन पढ़ा वो था एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर विद सल्फ्यूरिक एसिड होता है, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएं, CH3 CH2 OSO3H, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन बॉइलिंग विद वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर के साथ बॉयल करने पे एक अदद अल्कोहल बनाएगा प्लस H2SO4। ये हमारे पास रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे भी मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एल्कीन का नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, हाइपोहैलस एसिड। हाइपोहैलस एसिड हम कहेंगे HOX इसे। अब ये अगर HCl हो तो क्लोरस, Br हो तो हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है। कैसे बनेगा हाइपोहैलस एसिड, बनता है अगर हम X2 हैलोजन का रिएक्शन करवाएं विद वाटर। When halogen react with water, it produce HX plus HOX. ये हो जाता है हमारे पास प्रोडक्ट। अब ये हाइपोहैलस एसिड है, इसका मतलब है यहाँ पे ऐड करते हैं एक बात, और वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, अगर मैं अल्कीन का रिएक्शन करवाता हूँ विद X2, अल्कीन प्लस X2, और हमने इस रिएक्शन की कंडीशन में बात की थी इनर्ट सॉल्वेंट सच एज CCl4, मेरे पास प्रोडक्ट बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2X and X विसिनल डाई हेलाइड। लेकिन अगर यहाँ CCl4 के बजाय वाटर ले लें तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडिया गिव हाइपोहैलस एसिड। अगर वाटर और हेलोजन मिक्स हो जाएगा तो हाइपोहैलस एसिड बनाएगा, अब रिएक्शन विद हाइपोहैलस एसिड होगा, नॉट विद X2, ठीक है। तो अगर हम यही रिएक्शन करवाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो होता है CH2OH CH2X, ये प्रोडक्ट बनता है, और हमारे पास होता है रिएक्शन विद हाइपोहैलस एसिड। और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं हेलोहाइड्रिन, इसे हम कहेंगे हेलोहाइड्रिन। अब एक तो ये है कि अगर कहीं कहा जाए MCQ में आ जाए कि हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या एक्वस मीडिया गिव, तो भाई एक्वस मीडिया में विसिनल डाइहैलाइड प्रोडक्ट नहीं बनता।
एक्वस मीडिया में ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक्वस मीडिया में क्या होगा, हैलोजन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइपोहैलस एसिड, या हाइपोहैलस एसिड बना लेगा और हाइपोहैलस एसिड इसके साथ अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरा, ये रिएक्शन डायरेक्टली लिखा जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस OHX। ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट, इट ऑल्सो फॉलो मार्कोनिकोव रूल। अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी तो एडिशन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा और यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगी। तो इसको डायरेक्ट इस तरह लिख दिया जाता है और अलग से इक्वेशन लिख लेते हैं हम हाइपोहैलस एसिड की फॉर्मेशन की। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड HOX की एडिशन होगी, जिसमें OH पार्शियल नेगेटिव, हैलोजिन पार्शियल पॉजिटिव होगा। रिएक्शन एक्वस मीडिया में हो रहा है और असल में हैलोजिन प्लस एक्वस वाटर मीडिया, इसका मतलब है हम एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड को ये भी कह सकते हैं इट इज एडिशन ऑफ हैलोजिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट ऑल्सो फॉलो मार्कोनिकोव रूल, ये भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा जी स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे पास जो रिएक्शन है अल्कीन्स के, उसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये थे, इससे पहले जो हमने पढ़े ये क्या थे, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भाई, सबसे पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हम अल्कीन को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करें Ag2O, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, एयर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर हम हीट करेंगे अल्कीन को सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट पे, ठीक है, के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा अक्रॉस कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एपॉक्साइड। एपॉक्साइड हम कहते हैं थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग, इसे एपॉक्सी और एपॉक्साइड कहेंगे, ठीक है। एपॉक्साइड रिंग, एपॉक्सी रेजिन्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग होगा विद ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है एपॉक्साइड बनता है, ठीक है, और कैसे बनता है, अगर हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ ही सिल्वर ऑक्साइड प्लस अल्कीन को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, जहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हमारे पास एडिशन हो जाएगी और एपॉक्साइड रिंग बन जाएगा। अगर हमारे पास ये अल्कीन है CH3, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, ऑक्सीजन CH3, हमारे पास ये एपॉक्साइड बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। अब एपॉक्साइड की एप्लीकेशन क्या है, एपॉक्साइड का स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या है, अगर हम इस एपॉक्साइड का रिएक्शन करवाएं विद वाटर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इथाइलीन एपॉक्साइड है, अगर मैं इसका रिएक्शन विद वाटर करवाता हूँ, वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, यहाँ से रिंग ओपन करेगा, ये ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी वो हो जाएगी CH2OH, CH2OH ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। तो एपॉक्साइड्स का पर्पस क्या है, यूज टू प्रिपेयर ग्लाइकोल्स, 1,2-diol बनी है, विसिनल 1,2-diol, ठीक है,
एक विसिनल डायोल बना है और इस विसिनल डायोल को हम कहते हैं ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये यूज होता है टू प्रिपेयर ग्लाइकोल्स। अगर हम इसकी रिंग ओपनिंग करवाएं विद वाटर तो यहां OH और इधर OH आ जाएगा, ठीक है। तो एक विसिनल डायोल बनाने के लिए एपॉक्साइड यूज होते हैं। यहां पे सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद एयर हो रही है, ठीक है। तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्कीन का ये हो गया। हमें क्या पता चला, एल्कीन रिएक्ट विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट टू प्रिपेयर एपॉक्साइड। एपॉक्साइड्स आर यूज टू प्रिपेयर ग्लाइकोल्स इन इंडस्ट्री और विसिनल डायोल्स इन इंडस्ट्री। विसिनल डायोल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्कीन का, ठीक है। कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसे हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोक्सीलेशन। दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन हमारे पास रिएक्शन है एल्कीन का, रिएक्शन विद KMnO4, रिएक्शन विद 1% KMnO4। जनरली 1% सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज होता है। KMnO4 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड 1% KMnO4 क्या हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, इस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वीक नहीं माइल्ड, लेस कंसेंट्रेशन में है। वैसे तो KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब 1% KMnO4 के साथ हम एल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे, अब यहां KMnO4 कैसा होगा, कोल्ड एक्वस अल्कलाइन, ठीक है। कैसा KMnO4, कोल्ड एक्वस अल्कलाइन 1% KMnO4। तो यहां पे कंडीशन क्या होती है, कोल्ड एक्वस, वाटर में इसका सॉल्यूशन हो। KMnO4 रिएक्ट विद डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, हम जनरल एल्कीन ले लेते हैं। तो KMnO4 रिएक्ट करेगा जहां पे भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करेगा और OH ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाएंगे, OH एंड OH। एक विसिनल डायोल प्रोडक्ट बनेगा। अगेन हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, विसिनल डायोल, एक अदद विसिनल डायोल बनेगा। यहां पे अब हमें KMnO4 का स्ट्रक्चर भी साथ ही देख लेना चाहिए भाई। KMnO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, K पॉजिटिव आइन, मैग्नेट आइन, MnO4 नेगेटिव आइन, और MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैग्नीज अटैच टू 4 ऑक्सीजन एटम्स, जिसमें से एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ सिंगली बॉन्डेड होगा, जबकि 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे होंगे। ये KMnO4 मैग्नेट आइन का स्ट्रक्चर है, जबकि इसके साथ अटैच होता है K पॉजिटिव आइन, पोटासियम पर मैग्नेट। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 7 होती है, K+1 ऑक्सीजन -8+1, तो ये है +7, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की। मैग्नीज 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 3 के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, 1 इसके साथ और 1 ऑक्सीजन का, और 1 ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जबकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो 7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब KMnO4 के साथ ये प्रोडक्ट बनेगी, ये हमें पता चला। इस 1% KMnO4 एक्वस KMnO4 को कहते हैं बायर्स रिएजेंट, इट इज कॉल्ड बायर्स रिएजेंट। इस रिएक्शन को कहते हैं बायर्स टेस्ट, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बायर्स टेस्ट। KMnO4 का कलर होता है पिंक और पर्पल, पिंक और पर्पल सॉल्यूशन। ऑन रिएक्शन विद डबल बॉन्ड
इट्स कलर डिस्चार्ज, ऑब्जर्वेशन क्या होती है हमारी, कलर डिस्चार्ज। अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा पिंक टू कलरलेस, सॉल्यूशन पिंक टू कलरलेस हो जाएगा या पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इसे हम बायर्स टेस्ट कहेंगे। एंड दिस रिएक्शन हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन और बायर्स टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन। अल्कीन के साथ भी रिएक्शन होगा, अल्काइन के साथ भी रिएक्शन होगा, यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन। क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में मौजूद है उसके डिटेक्शन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इट ऑल्सो रिएक्ट विद कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन के साथ भी रिएक्ट करेगा। सिर्फ फर्क क्या आएगा, KMnO4 प्लस अल्काइन डायोल के बजाय टेट्राओल बनाएगा, एक डबल बॉन्ड खत्म होगा, दो एच ऐड हो जाएंगे, दूसरा एक सॉरी डबल बॉन्ड कह रहा हूं, एक ट्रिपल बॉन्ड जब खत्म होगा तो दो ओ एच डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, वो फिर डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा तो दो मजीद ओ एच ऐड होंगे, और जो प्रोडक्ट होगी अल्काइन के साथ ओ एच एंड ओ एच ओ एच एंड ओ एच, बनने वाला प्रोडक्ट एक अदद टेट्राओल होता है। लेकिन ये टेट्राओल अनस्टेबल होता है, इट फर्दर रीअरेंज इट फर्दर चेंज, यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, ठीक है, यहां से क्या होता है हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और यहां ये चला जाता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ये ओ एच निकल जाता है, एच रह जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड एच, एक डाई एल्डिहाइड बनता है। अब इस अल्कोहल का नाम, अगर ये अल्कोहल किससे बने, एक विसिनल डायोल इथीन से बनी हो तो इसका नाम है ग्लाइकोल, इस अल्कोहल का कॉमन नेम है ग्लाइकोल, इसे कहते हैं ग्लाइओक्साल, ठीक है, इसे क्या कहेंगे ग्लाई ऑक्साल, क्योंकि ये एल पे एंड हो रहा है, ये एक एल्डिहाइड है। और अगर दो कार्बन का सेम एसिड हो, इसी तरह सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड और यहाँ ओ एच और ओ एच हो, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइओक्साल से ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर KMnO4 कोल्ड एक्वस सेम कंडीशन हो, ठीक है, और रिएक्टेंट एक अल्काइन हो, तो बायर टेस्ट गिव ग्लाइओक्साल। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाए देन यू विल गेट ग्लाइओक्साल, यहाँ से ये OH निकल जाएंगे, इसका मतलब है -2H2O, वाटर के दो मॉलिक्यूल निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, ग्लाइओक्साल प्रोडक्ट बनती है। अब KMnO4 यहाँ पे हमें पता क्या चला, बायर्स टेस्ट कहेंगे, रिएक्शन विद KMnO4, कलर डिस्चार्ज हमारी ऑब्जर्वेशन है, विसिनल डायोल इज प्रोडक्ट विद अल्कीन, टेट्रोल विच रीअरेंज टू गिव एल्डिहाइड इज प्रोडक्ट विद कीटोन अल्काइन। अब अगर यहाँ कार्बन की चेन हो तो हमारे पास प्रोडक्ट कीटोन हो जाता है, ठीक है, यहाँ एच के बजाय आर और आर लगा दूँ, यहाँ पे अगर कार्बन की चेन होगी तो वो आर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आर होगा और यहाँ भी आर आएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये होगी, एक डाई कीटोन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा रिएक्शन जिसे हम कहेंगे बायर्स टेस्ट, एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन। जिस रन तो तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सिंपल कंबस्शन, कंबस्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये बात मैं आपको पहले बता चुका कि कंबस्शन को हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब है अगर मैं कोई भी अल्कीन ले लूँ और ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन करवाऊँ, प्रोडक्ट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, वाटर प्रोड्यूस होना चाहिए H2O प्लस हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कर लें, ठीक है। दो कार्बन है, सबसे पहले कार्बन को 2 CO2 कर दें,
देन हाइड्रोजन दो दो चार हैं, यहाँ टू एच टू ओ कर दें, अब ऑक्सीजन काउंट करके यहाँ बैलेंस कर दें। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंबस्शन इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी, कार्बन देन हाइड्रोजन फाइनली ऑक्सीजन, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, तो यहाँ थ्री ओ टू। इसका मतलब है वन मोल ऑफ इथीन रिएक्ट विथ थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम के साथ बर्निंग होगी इसकी। अब इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, हम उसकी बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ओजोनोलाइसिस भी अल्कीन का एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विद ओजोन, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस में हमारे पास जो रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, वो रिएक्ट करेगी। ओजोन इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ओजोन क्या है, O3 इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, हम इसको कहते हैं कि ऑक्सीजन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ओजोन का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है, एक डबली बॉन्डेड जबकि एक नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये डाई आयन है, ठीक है। ये एक ऐसा आयन है जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो आयोनिक फॉर्म में होता है। ओजोन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अब हमारे पास एमसीक्यूज के लिए हमें प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए कि ओजोनोलाइसिस का क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्कीन की हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हैं। एक ऐसा अल्कीन हो सकता है जिसमें यहाँ दोनों हाइड्रोजन अटैच हो, जैसे कि हमारे पास इथीन डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच होगा, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक ऐसी अल्कीन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी है एक ऐसी अल्कीन जिसमें दोनों अटैच, कार्बन की चेन हो, ठीक है। अब अगर हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, दोनों अटैच हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन जब भी होगा, इट रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएं, बनने वाला प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड, ठीक है। सिंपल तरीका प्रोडक्ट लिखने का क्या है, यहाँ से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दें, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वाले ब्रेक कर दें, जब भी ओजोनोलाइसिस हो इस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देना है। इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दें, इस कार्बन का भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दें, ये बॉन्ड ख़त्म कर दें, ये प्रोडक्ट होंगे हमारे पास। कोई अल्कीन का स्ट्रक्चर गिवन हो और कहा जाए व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दें, इस कार्बन का भी इस कार्बन का भी, हमारे पास वही प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या करें, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब सेम इस तरफ से भी यही बन रहा है तो टू कर देता हूँ, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, आर और एच, ये मैंने लिख दिया आर एच सी डबल बॉन्ड हो, सेम इस तरफ से बन रहा है, सिमेट्रिकल है तो इसको टू कर दें। यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, आर सी आर और कार्बन का डबल बॉन्ड, आर सी आर डबल बॉन्ड हो, मैं इसको टू मोल कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट होगा हमारे पास ओजोनोलाइसिस का। अब यहाँ पे अगर दोनों अटैच कार्बन है तो हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है कीटोन, ओजोनोलाइसिस गिव कीटोन व्हेन कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड, कार्बन पे दोनों अटैच सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल चेन हो, एक आर और एक एच होगा तो एल्डिहाइड, दोनों एच होंगे जिस कार्बन पे, वो वाला कार्बन देगा फॉर्म एल्डिहाइड। अब ये फॉर्म एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड अलहदा अलहदा क्यों लिखा है, ताकि हमें मालूम हो अगर हमारे पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल आ जाए, अगर ये अल्कीन है व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स, तो मुझे नजर आ रहा है एक अदद अगर यहां पे CH3 कर देता हूं और मैं MCQ में कहता हूं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ
प्रोपीन। तो प्रोपीन के ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट क्या होगी? इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है तो इट गिव फॉर्मल्डिहाइड, यहां से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और यहां एक कार्बन एक हाइड्रोजन है तो यहां से बनेगा इसको सी डबल बॉन्ड करने एसीटाल्डिहाइड। प्रोडक्ट्स आर फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटाल्डिहाइड। सिंपल क्या है, यहां से डबल बॉन्ड तोड़ें, सी डबल बॉन्ड हो एच एंड एच, दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड हो, इसको भी सी डबल बॉन्ड हो में चेंज करें सी एच थ्री एंड एच, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं कहता हूं मेरे पास अल्कीन है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री एंड एच, और ऑप्शन गिवेन है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एसीटोन एंड एसीटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ब्यूटानॉन एंड एसीटाल्डिहाइड। तो भाई हमें यहाँ देख के पता चल रहा है, खाली डबल बॉन्ड पे हाथ रखें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच एसीटाल्डिहाइड, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एसीटोन या प्रोपेनॉन एथेनॉल प्रोपेनॉन, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो किसी भी ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट हम फौरी देखते ही रिएक्टेंट को बता सकें कि इसका क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मेरे पास रिएक्टेंट है एच एच सी एच थ्री सी टू एच फाइव, क्या प्रोडक्ट होने चाहिए ओजोनोलाइसिस के? एक प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा प्रोडक्ट टू ब्यूटानॉन। ठीक है, एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन, जिस तरफ दोनों अटैच कार्बन है उधर से कीटोन, जिधर एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, अगर दोनों हाइड्रोजन है तो फॉर्म एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं ओजोनोलाइसिस के मैकेनिज्म की। जी स्टूडेंट्स, तो मैकेनिज्म क्या होगा भाई? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे भी है ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और तीनों ऑक्सीजन यहाँ अटैच कर दें, हमें मालूम है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, इसने इधर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये इसके साथ अटैच हो गया, हमारे पास जो पहला इंटरमीडिएट है वो ये है। तो आप इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी रिएक्शन के, और इसे हम कहते हैं मोलोजोनाइट, जो कि एक अनस्टेबल है, और बात हुई थी ये अनस्टेबल है ड्यू टू स्टेरिक बल्क। इन ऑक्सीजन के पास दो दो लॉन्ग पेयर मौजूद हैं, अनशेयर्ड पेयर हैं, तो ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है विच रीअरेंज। अब रीअरेंजमेंट एरो पे लिखा भी जाता है, रीअरेंजमेंट के लिए ये सिंबल भी यूज़ होता है। इसका मतलब है रीअरेंजमेंट, अगर किसी रिएक्शन एरो पे ये सिंबल मौजूद है तो इट मीन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये रीअरेंज होगा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, एक ऑक्सीजन दो कार्बन के दरमियान ले जाए। अब यहां पे ये जो ओजोनाइट रीअरेंज हुआ मोलोजोनाइट टू ओजोनाइट, ओजोनाइट ब्रेक होता है और इट गिव प्रोडक्ट, ये है ओजोनाइट। ओजोनाइट से एक ये प्रोडक्ट, ओजोनाइट से दूसरा ये प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन वाटर के साथ बनाता है H2O2। एक प्रोडक्ट हो गया सी डबल बॉन्ड हो, यहां से इसके साथ दोनों बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड हो कार्बन के दो बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो दो मोल। ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, इस ऑक्सीजन ने वाटर के साथ H2O2 बनाया, H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड हम कहते हैं जहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 और H2O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन +1 +1 -1 -1। ठीक है, तो ये परऑक्साइड है, इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कहेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बनने वाले प्रोडक्ट को अगर वो एल्डिहाइड हुआ तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जिंक डस्ट ऐड किया जाता है, जिंक पाउडर ऐड करते हैं, इट रिएक्ट विद H2O2 टू प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड वाटर, इट डिस्ट्रॉय हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्वेंच द रिएक्शन स्टॉप्स द रिएक्शन एट दिस स्टेज। ये यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप करता है, अगर ना ऐड करेंगे तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा बल्कि फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा
इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका मतलब है ओजोनोलाइसिस गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों प्रोडक्ट होंगे, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। कैसे बनेंगे हमें वो बात भी समझ आई कि हम कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं फ्रॉम ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस कम्प्लीट हुआ। अब यहाँ पे ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का भी एक यूज है, उसकी भी बात करते हैं, और वो क्या है। ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू फाइंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में कहाँ मौजूद है हमें पता चल सकता है ओजोनोलाइसिस से। अब कैसे पता चलेगा, देखें हमारे पास, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पेंटीन है, अब वो वन पेंटीन है या टू पेंटीन है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वन पे है या टू पे है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के प्रोडक्ट मुझे बताएंगे। जैसे कि अगर मैं सवाल मैं क्वेश्चन एक वो करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंटीन गिव फॉर्म एल्डिहाइड एंड ब्यूटानॉल, मेथनॉल एंड ब्यूटानॉल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड अल्कीन। तो मुझे ये पता चल रहा है कि अगर ओजोनोलाइसिस से एक प्रोडक्ट मेथनॉल बना है और दूसरा प्रोडक्ट ब्यूटानॉल बना है, तो ये सी पेंटीन जो थी उसका स्ट्रक्चर ये था, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट प्रोड्यूस मेथनॉल। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन टू होती तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनते पांच कार्बन के एल्कीन पेंटीन से वो क्या होते, एक बनता एसिटाल्डिहाइड एथानॉल और दूसरा बनता प्रोपानॉल, तीन कार्बन का एल्डिहाइड, ठीक है। मेरे पास एक चार कार्बन का एल्डिहाइड ब्यूटानॉल बना है, एक मेथनॉल बना है, फॉर्म एल्डिहाइड बना है, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड कार्बन वन पे मौजूद था। तो हम ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट से बता सकते हैं कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड किस पोजिशन पे मौजूद है। तो इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट टू फाइंड पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है तो हम डबल बॉन्ड बता सकते हैं। और एमसीक्यूज में पॉसिबल होता है कि आपसे कहा जाए कि ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड गिव दिस एंड दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर या व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड की पोजीशन दी हुई है, इट इज़ टू पेंटीन, इट इज़ वन पेंटीन, तो आप बता सकें हेक्सीन है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस गिव टू मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन या अल्कीन अंडरगो ओजोनोलाइसिस इज वन हेक्सीन, टू हेक्सीन, थ्री हेक्सीन, कौन सा प्रोडक्ट है। तो मुझे मालूम है कार्बन कार्बन थर्ड कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो सिमेट्रिकल है, दो मोल सेम प्रोडक्ट के बनेंगे। अगर दो मोल सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं तो सेंटर पे है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। और तीन कार्बन इधर, तीन कार्बन इधर, इसका मतलब है हेक्सीन है, थ्री हेक्सीन का ओजोनोलाइसिस तीन दो मोल प्रोपेनॉल के बनाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है, अगर एक प्रोडक्ट कीटोन है तो हमें ये पता चल रहा है कि एक कार्बन ऐसा है जिस पे दोनों हाइड्रोजन के बजाय कार्बन मौजूद होंगे, तो एक कीटोन प्रोडक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो हम स्ट्रक्चर का आइडिया लगा सकते हैं फ्रॉम ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन, कुछ यूजेस एल्कीन के, और अल्काइंस को उसी लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे।